हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक और हेल्दी और आसान सी रेसिपी लाल भाजी के साथ। ये है लाल भाजी, ये 1 किलो है। इसे मैंने धो के काट लिया है। इसे रेड स्पिनेच, लाल साग या लाल चौलाई के नाम से भी जाना जाता है। इसके काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स है जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये है प्याज, हरी मिर्च, जीरा, सरसों, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, हींग, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, एक टमाटर और तेल। तो मैंने रखा है एक पैन, उसमें मैं डाल रही हूँ अराउंड 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल डालकर जैसे ऑयल गर्म हो गया, मैंने डाला है 1/2 टीस्पून सरसों और 1/2 टीस्पून जीरा और 1/4 टीस्पून हींग है। डालकर मैं इसको हल्का भून रही हूँ। जैसे ये थोड़ा सा भुन गया, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ एक प्याज। ये एक बड़ा साइज का प्याज है, इसको मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहो तो सिर्फ लहसुन से भी तड़का लगा सकते हो। अब मैंने थोड़ा सा भुन लिया है। जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च। हरी मिर्च यहाँ पर मैं सिर्फ एक डाल रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा मिर्च पाउडर भी यूज़ करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी मैंने इसे थोड़ा सा भून लिया है। अब मैं डाल रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। डालकर इसे मैं थोड़ा सा और भून रही हूँ। यहाँ पे अब मैं हल्दी और मिर्च पाउडर नहीं यूज़ कर रही हूँ। वैसे हल्दी तो मैं जस्ट कलर के लिए डाल रही हूँ। मिर्च पाउडर आप चाहो तो अभी डाल सकते हो, उसके बाद लाल भाजी भी डाल सकते हो, बट मैं पहले लाल भाजी डाल रही हूँ। थोड़ा सा भूनूंगी, उसके बाद मिर्च और हल्दी डालूंगी। तो अभी मैं डाल रही हूँ लाल भाजी। लाल भाजी डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। लाल भाजी के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स है। स्पेशली इससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए, बोन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। अभी भाजी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए मिक्स करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं इसे ढक के 2 मिनट तक पका रही हूँ मीडियम हाई फ्लेम पे। उसे भाजी नीचे बैठ जाएगा स्टीम में पक के, और मिक्स करने में आसानी होगी। अभी मैंने इसे 2 मिनट तक पकाया है। 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं भाजी नीचे बैठ गई है। अब मिक्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अब हम लोग इसको अच्छे से मिलाते हुए पकाएंगे। अब ये थोड़ा सा पक गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूखे मसाले। मैंने डाला है 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च दिखता लाल है बट तीखा नहीं होता है। अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। हल्दी मैं जस्ट कलर के लिए डाल रही हूँ, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। अब मैं इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि सारी चीज़ें अच्छे से पक जाए। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। यहाँ पे 1 टमाटर मैंने यूज़ किया। बिना टमाटर के भी ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, बट टमाटर डालने से इसमें थोड़ा सा खट्टापन आता है और टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं टमाटर डाल के मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक डालने से टमाटर और भाजी और जल्दी पक जाएगा। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। नमक डाल के अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके तब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर पूरी तरीके से गल नहीं जाएगा और भाजी अच्छे से पक नहीं जाएगी। अभी मैंने इसे ढककर मीडियम हाई फ्लेम पे अराउंड 5 मिनट और पकाया है। कभी कभी भाजी पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम या कम टाइम भी लग सकता है, वो डिपेंड करता है भाजी की क्वालिटी के ऊपर। पर भाजी इस तरीके से सूखी बननी चाहिए और अच्छे से पकनी चाहिए, और इसमें ज़्यादा नमी नहीं होना चाहिए। मीन्स सब्जी बन के रेडी है। और कोई कोई भाजी बहुत ज़्यादा लाल होती है, कोई कोई कम लाल होती है, बट दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। अब आप भी ये सिंपल सी हेल्दी सी सब्जी बनाइए। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you.